दोस्तों आप लोगों की जानकारी के लिए बता देना चाहता हूं कि फैंस के कहने के बाद में एक बार फिर से एकता कपूर ने फाइनली अपना डिसीजन चेंज किया है। और आप लोगों के बीच में मैं बताने जा रहा हूं कि आखिरकार किसकी एंट्री हो रही है और कब एंट्री हो रही है। जैसे कि सभी को पता है कि अभी फिलहाल रूबीना दिलेक का नाम एक बार फिर से एकता कपूर के माइंड में आया है और फाइनली एकता कपूर ने इस बार घोषणा की है, क्योंकि अभी तक जो जितनी नागिन है उनका किरदार मैं बताने जा रहा हूँ, क्योंकि नागिन 6 की जो मेन किरदार है वो किरदार सामने आया है तेजस्वी प्रकाश का। जी हाँ, तेजस्वी प्रकाश एक भयानक नागिन है जो कि वाकई में ऑडियंस को काफ़ी अच्छा लग रहा है। सिम्बा नागपाल की बात की जाए तो सिम्बा नागपाल का किरदार भी ऑडियंस को काफ़ी पसंद आ रहा है, क्योंकि तेजस्वी प्रकाश और सिम्बा नागपाल को आपने देखा होगा कि किस तरीका से इन्होंने बिग बॉस 15 में धमाल मचाया था। क्योंकि सिम्बा नागपाल को काफ़ी लोगों ने देखा था बिग बॉस 15 में, हालांकि उनकी जर्नी कोई खास नहीं रही, लेकिन बावजूद इसके कि सिम्बा नागपाल अपनी जितनी कोशिश कर सकते हैं उन्होंने की। लेकिन गाइज एक बार फिर से आप लोगों के बीच में तीसरी कलाकार हैं महक चहल, नागिन 6 के अंदर आपने देख ही लिया होगा। लेकिन फाइनली अब एक बार फिर से एकता कपूर ने अपने स्टेटमेंट को पूरी तरीका से चेंज किया है, और चेंज करने के बाद मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि एकता कपूर ने अपने डिसीजन को चेंज करते हुए रूबीना दिलेक का नाम सामने लाई है और रूबीना दिलेक की जल्द ही एंट्री हो रही है। सूत्रों के अनुसार सुनने में ये आ रहा अगले महीने के एंड वीक में इनकी एंट्री होती हुई नज़र आने वाली है, क्योंकि आपको पता है कि सिम्बा नागपाल भी काफ़ी अच्छे कलाकार है, महक चहल तो काफ़ी सुर्खियों में रही है। वहीं पे तेजस्वी प्रकाश की बात की जाए तो तेजस्वी प्रकाश नागिन 6 से बाहर होने वाली नहीं है, क्योंकि तेजस्वी प्रकाश को नागिन 6 की TRP के लिए ही बिग बॉस 15 का खिताब जिताया था, नहीं तो उनकी जगह प्रतीक सेजवाल विनर होते। ये रियलिटी है दोस्तों, आप लोगों को बता देता हूँ। सबसे पहले मैं आप लोगों से अनुरोध करना चाहूँगा गाइज, अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर अभी आए हैं तो कृपया मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आज हम बात करने जा रहे हैं नागिन 6 के, जो कि रूबीना दिलेक अगले महीने के लास्ट वीक में एंट्री करने जा रही है। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड कमेंट करके जरूर बताइए।